हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप लोग RBJEE को टारगेट कर रहे हैं, RBJEE की वैकेंसी 2024 के बारे में बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। RBJEE 2024, ठीक है, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसके बारे में एक अपडेट आई है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपकी RBJEE 2024 में टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं, फॉर्म कब से भी फिलअप किए जाएंगे और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इस वैकेंसी में बीटेक और आईटीआई वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि RRBJEE, तो यहाँ पे देखेंगे बीटेक वाले फिलअप कर सकते हैं या आईटीआई वाले फिलअप कर सकते हैं। फिर देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक बार फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास बहुत कम समय बचता है कि डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो जानना ज़रूरी है। फिर हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है तो वो कब का बना होना चाहिए, कितने समय पुराना होना चाहिए या फिर कब से कब तक का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन जो आया, RRBJEE 2024 नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRBJEE, ठीक है। यहाँ पे देखें सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN3/2024, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, ठीक है। ये सारी वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पे टेबल दिया गया, इसके बारे में लोग अभी देखेंगे। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब है, 29/8/2024। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, ठीक है। आपका जो फॉर्म फिलअप होगा केवल ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिलअप होगा और पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा। यहाँ पे देखेंगे कि आपको ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, तो ये 30/7/2024। यहीं पे क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब है, 29/8/2024 है, ठीक है। तो 30 जुलाई से 29 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम डिटेल देखेंगे वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट लिखा गया है, पे लेवल किस लेवल की वैकेंसी है, इनिशियल पे आपको कितना मिलने वाला है, इनिशियल सैलरी क्या मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए आपको, यहाँ पे देखेंगे एज आपका कब से काउंट होगा, तो 1 जनवरी 2025 से आपका जो है एज काउंट होने वाला है। और टोटल वैकेंसीज देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले देखेंगे केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च का, तो लेवल 7 का ये जॉब है, इसमें आपको 44,900 जो है मिलने वाला है। फिर देखेंगे एज लिमिट क्या है, तो 18 से 36 वर्ष आपका एज लिमिट होना चाहिए। और इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, 17 वैकेंसी है, और ये टोटल 17 वैकेंसी जो कहाँ पे हैं, RRBJEE गोरखपुर में ही केवल हैं और किसी भी RRBJEE में ये जो है आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। ये केमिकल ब्रांच के लिए है। यहाँ पे देखेंगे जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का ये जॉब है, और इसमें आपको टोटल मिलने कितने वाले हैं, 35,400 रुपये जो है आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। इसका भी एज लिमिट क्या रखा गया, तो 18 से 36 वर्ष एज लिमिट रखा गया, और 7,934 वैकेंसी इसमें है, ठीक है, लेवल 6 वाले जॉब में। अब बात करेंगे कुल पोस्ट कितने हैं, तो 7,951 है, और फॉर्म आपका 30 जुलाई से 29 अगस्त तक आपका फिलअप होगा। इस बीच की जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कि बीटेक डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई में से कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटेक की, फिर यहाँ पे डिप्लोमा लिख देते हैं, डिप्लोमा, फिर यहाँ पे आईटीआई, ठीक है। तो इसमें बीटेक वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक के जो ये हुए कैंडिडेट वो भी भर सकते हैं। इसमें ITI वाले एलिजिबल नहीं है, ITI वाले जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट का, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है ये नोटिफिकेशन में जो डेट दिया गया, लास्ट डेट 29 अगस्त 2024, इस डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके, जो फिजिकल हैंडीकैप के जो सर्टिफिकेट हैं,
ओबीसी कैटेगरी से जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उनके लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए भी यही जारी किया जा रहा है, और पीएच हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी कैटेगरी, इन सभी का जो डॉक्यूमेंट बनने वाला है ये 29 अगस्त 2024 तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का जो है इसमें नहीं लगने वाला है। अगर आपको चाहिए एज रिलैक्सेशन तो उसका भी सर्टिफिकेट 29 अगस्त 2024 से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों के लिए यहाँ पे हो गई। बीटेक वाले एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंट आपको बना होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। और क्या बच गया आपका इसमें से, डॉक्यूमेंट मैंने बताया कि जो नोटिफिकेशन में दिया गया कि लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का उससे पहले का बना होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो इसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। फॉर्म फिलअप किया जाएगा ये भी हम लोग देख लिए, यहाँ पे वैकेंसी कितनी है वो भी यहाँ पे देख लिए हम लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा आरआरबी जेई और एसएससी जेई 2025 के लिए। और मेरा एसएससी जेई 2024 में जो रैंक है, इस बार 2024 में जो रैंक है वो है 1, ठीक है। कितने मार्क्स हैं, 164.75 मार्क्स जो हैं मेरे एसएससी जेई 2024 के एग्ज़ाम में हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।